आगे बढ़ेंगे। अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स संकुल चैंपियनशिप 2022-23 समारोह में सम्मिलित हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स संकुल चैंपियनशिप 2022-23 में सीएम योगी समारोह में शामिल हुए हैं और इस समारोह को लेकर खास तैयारियां की गई हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं यहां पर इस समारोह में शिरकत करने के लिए, और ये जो चैंपियनशिप है एथलेटिक्स संकुल चैंपियनशिप 2022-23 की ये जो चैंपियनशिप है इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स चैंपियनशिप है ये, समारोह में सम्मिलित हुए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 71वीं अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स क्लस्टर चैंपियनशिप का आयोजन और उसका उद्घाटन आज यहां पर संपन्न होने जा रहा है। 10 वर्ष के बाद यह अवसर उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर सबसे पहले उत्तर प्रदेश के अंदर इस प्रकार का आयोजन हो और सशस्त्र सीमा बल उसके आयोजक के रूप में आगे आए, इसके लिए माननीय गृह मंत्री जी का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए आप सभी प्रतिभागी विभिन्न राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय पुलिस बलों से जुड़े हुए सभी टीमों का उत्तर प्रदेश शासन की ओर से, उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। ये हमारे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इस पूरे कार्यक्रम में एक सशस्त्र सीमा बल इसकी आयोजक है। पिछले 20-22 वर्षों से मैंने सशस्त्र सीमा बल की कार्यपद्धति को भारत नेपाल और भारत भूटान की सीमा पर नजदीक से देखा है और उस सीमावर्ती क्षेत्रों में कार्य करते हुए न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से अपनी जिम्मेदारियों का पूरी प्रतिबद्धता के साथ निर्वहन करने और सीमावर्ती क्षेत्र के नागरिकों के साथ जिस सहृदयता के साथ, संवेदनशील तरीके के साथ वहां पर सशस्त्र सीमा बल के द्वारा कार्य किया जा रहा है वो अत्यंत सराहनीय है। और उत्तर प्रदेश की 560 किलोमीटर की सीमा हमारे मित्र राष्ट्र नेपाल के साथ जुड़ी होने के नाते सशस्त्र सीमा बल इस दायित्व का निर्वहन वहां पर करके उत्तर प्रदेश पुलिस बल के साथ बेहतर समन्वय बनाने का कार्य करती है। और आज उत्तर प्रदेश के अंदर जब 10 वर्ष के बाद अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स क्लस्टर चैंपियनशिप का आयोजन हो रहा है और इसमें 32 राज्यों की 1300 से अधिक प्रतिभागियों की उपस्थिति इस आयोजन की सफलता को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाते हुए देखता है, मैं इसके लिए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं कि स्पोर्ट्स की बड़ी भूमिका होती है किसी भी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में। भारत की ऋषि मनीषा इस बात पर विश्वास करती रही है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी जितने भी जीवन के हमारे साधन हैं, कर्तव्य हैं, वे सभी एक स्वस्थ शरीर से ही संपन्न हो सकते हैं। और स्वस्थ शरीर के लिए, व्यक्ति के लिए
खेलकूद की गतिविधियों के साथ सहभागी बनना यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। पिछले 9 वर्षों के अंदर हमने देश के अंदर खेल संस्कृति को बढ़ते हुए देखा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में आज भारत दुनिया के अंदर किसी भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में और देश के अंदर जब प्रतियोगिताएं होती हैं तो विभिन्न राज्य उसमें प्रतिभाग करके अपने स्वस्थ खेल प्रतिस्पर्धा और कौशल का परिचय देते हैं। खासतौर पर जब हम देखते हैं आज ओलंपिक में भारत का प्रतिभाग भी बहुत बढ़ा है और भारत को मिलने वाले मेडल की संख्या भी बढ़ी है। एशियाड में, कॉमनवेल्थ गेम्स में, विश्व चैंपियनशिप में भारत की प्रतिभागिता भी बढ़ी है और भारत को मिलने वाले गोल्ड मेडल भी की संख्या या मिलने वाले मेडल्स की संख्या भी बढ़ी है। ये किसी भी देश के सामर्थ्य को प्रदर्शित करता है, वहां के कौशल को प्रदर्शित करने का एक माध्यम होता है। और खेलकूद की कोई भी प्रतियोगिता हम सबको सम और विषम परिस्थितियों में बहुत कुछ देने की एक नई प्रेरणा भी प्रदान करता है। जब यहां पर 71वीं अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स क्लस्टर चैंपियनशिप के इस आयोजन के साथ हम सब जुड़े हुए हैं, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश आज खेलकूद की गतिविधियों में तेजी के साथ आगे बढ़ा है और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी आज इस दिशा में बहुत सारे कदम बढ़ाए हैं। खासतौर पर वर्तमान में अगर हम देखें तो हर संसदीय क्षेत्र में सांसद खेलकूद प्रतिस्पर्धा के आयोजन हो रहे हैं। एक एक संसदीय क्षेत्र में 2000 से लेकर 2500 खिलाड़ी इन सभी प्रतियोगिताओं के साथ जुड़ते हैं, अलग अलग प्रकार की रचनात्मक गतिविधियों के साथ जुड़ते हैं। हमारा यह मानना है कि युवा शक्ति को सकारात्मक और रचनात्मक दिशा की ओर अग्रसर करने में खेलकूद गतिविधियों की बड़ी भूमिका होती है और खेलकूद की इन गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार के स्तर पर विभिन्न औद्योगिक संस्थाओं के स्तर पर, सामाजिक संस्थाओं के स्तर पर प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। और उसी प्रयास के क्रम में आज उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत सरकार के साथ मिलकर के सभी ग्राम पंचायतों में स्पोर्ट्स किट महिला युवक मंगल दल और महिला मंगल दल को उपलब्ध करवाने की कार्रवाई को तेजी